ओम शांति। आज 7 फरवरी 2023 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। आज का प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर है, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आंख नहीं जान सकती है किसको, भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों अर्थात आत्माओं को कहते हैं। तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उनके तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखलाया और ईश्वर की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा, मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्णों को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ देवी गुण वाला मनुष्य है, भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ, मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते, यह बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है परमात्मा एक है। भगवानुवाच भी है तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो, साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुह्य बात है, यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए, फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाप कहते हैं, बहुत अच्छा बच्चा वह बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे से ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है, प्रारब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को
20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तीस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे, तो बच्चों से कई वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है, बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाए, तो बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा, तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान उवाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सब को दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं, मुझे ऐसे फूल अर्थात बच्चे चाहिए, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बाबुलनाथ भी मेरा नाम है, बाउल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है डेविल फॉरेस्ट, इनको भी डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनास्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण कुल है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16108 रानियां थी, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की है। ज्ञान का सागर है ही एक परमपिता परमात्मा, पाप का दंड धर्मराज देते हैं, प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है क्योंकि उन्हें राजा बनाता है। भगवान वह है अल्पकाल के लिए, या तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, वहाँ कसम उठाने की बात नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। न इसे नारायण तो बाप ही बनाएगा, न कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है चार, बाकी सब है दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वो बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर का वर्षा लेना है तो अभी लो, साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को स्वर प्राप्ति कराने वाला है ही बाप, बेहद का बाप ही स्वर का मालिक बनाते हैं। ऐसे ऐसी टेम्पिटेशन देनी है जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं, तो सारी तैयारियां कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यह शिकार कराना है माताओं से, बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है, माताएं बहुत हैं, नाम एक का वाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो, शक्ति डिनास्टी नहीं कहेंगे। शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली, सरस्वती, बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे तो ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर, श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर
आत्मा का ज्ञान देवे। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो। बाकी सब भक्त तू आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। यह तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था। श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। देवड़ा मंदिर का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सदगुरु बिगर है घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या ना करो, बेहद का बाप तो सभी का बाप है। उनसे जरूर स्वर का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा लेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है। ध्यान की आस नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। ऑथोरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। बीच नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूरत ज्ञान मूरत सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ हीरो पाठ बजाओ। आज के स्लोगन, बिंदु शब्द के महत्व को जान बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। अब सुनते हैं माते श्री जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा ने कहा पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वह भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असुल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं, तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेंगी और न फिर तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फूल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरीन परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है।
बाकी आत्माओं को कोई परमात्मा नहीं बनना है। दूसरा, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, अर्थ रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज अर्थात हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वह सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य पांच विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही पांच विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को बस करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तैसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुग त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वह तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। और कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं, आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन पांच विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति।